ये देखिए, तो ये फ़ोन में लाइट चालू हो गई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। देखिए इस फ़ोन में लाइट आ रही है हल्की सी, पर ग्राफिक्स नहीं आ रहे। फ़ोन वर्क हो रहा है पर ग्राफिक्स नहीं आ रहे। जैसे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको लाइट दिख रही होगी। ये जो आईसी है, ये अगर मैं आपको बोलूँ लावा ZX61 में ये आईसी कौन से कनेक्टर पर जाती है, तो मैं ये कौन से कनेक्टर पर जाती है मैं ये भी आपको बता सकता हूँ। बट बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन में अगर ये आईसी लगी है तो आप वो कनेक्टर की पिनों पर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूँ मेरे फ़ोन में ये दूसरे नंबर की पिन पर जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फ़ोन पर भी दूसरे नंबर पर जाए। तो बेसिकली हमको यूनिवर्सल काम करना है, हमको एक मोबाइल का डायग्राम नहीं सीखना है। और जनरली इंस्टीट्यूटों में यही हो रहा है, वो किसी एक मोबाइल पे पर्टिकुलरली पूरा डायग्राम बना बना के सिखाते हैं और उससे बोलते हैं कि बाकी सारे डायग्राम ऐसे होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते हैं, हर एक का डायग्राम अलग होता है और वो सब कुछ सिखाना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस आईसी को एक इनपुट वोल्टेज चाहिए होते हैं, जो कि इसको BPH सप्लाई से आते हैं, जिसमें एक फिल्टर लगा होता है। और ये सप्लाई में यहाँ पे 4 वोल्ट मिलते हैं, जो कि ये कैपेसिटर आपको यहाँ दिखाई देते हैं। वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो, आपको डायग्राम से हमने समझाया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो, आपको डायग्राम से कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और जितना ज्यादा लाइक करोगे, मैं इस पे एक लाइट सेक्शन आपको डालूंगा, 9 बॉल या 12 बॉल, कुछ ओप्पो का बढ़िया कुछ ऐसा डालेंगे और आपको बताएंगे ग्राफिक्स के बारे में, कुछ अलग बताएंगे आपको, जो बेसिकली डले तो हैं यूट्यूब में पर इतने क्लियर नहीं है जितना वीडियो में होना चाहिए। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम देवत नंगरवाल है, आप देख रहे हैं इसे टेली को आपका चैनल। मैं यहाँ हूँ अपनी लैब में और अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ग्राफिक्स आईसी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने ग्राफिक्स आईसी के पूरा आईसी के एक एक बॉल के बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, स्कीमेटिक यूज करने वाला हूँ। हालांकि विदाउट स्कीमेटिक मैं बताऊंगा, पर कैसे ग्राफिक्स आईसी वर्क करती है ये सारी चीजें बताऊंगा। ये है लावा ZX61 और ये मोबाइल में फॉल्ट ये है कि इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है और सिर्फ लाइट आ रही है। सो इस मोबाइल को देखते हैं और इसका ग्राफिक्स आईसी देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले हैं, अगर आप नए हैं या आप ऑलरेडी चैनल देख रहे हैं पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करो, जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। 500 के ऊपर वीडियो है, वीडियो लिस्ट में जाइए, आप देखिए बहुत सारे शॉर्टिंग के, आपको लाइट आईसी के, ग्राफिक्स आईसी, उसके भी पहले हमने बहुत सारे सोल्यूशन डाल के रखे हुए हैं। ये हमारे एक इंस्टीट्यूट है जहाँ हम आईफोन ट्रेनिंग देते हैं, EMMC प्रो की ट्रेनिंग देते हैं और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हमारे बैचेस चलते हैं। और इंडिया का सबसे बिगेस्ट लैब अगर हम बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूट में है और यहाँ पे मोर देन 50 स्टूडेंट आते हैं, हर महीने पढ़ते हैं, हर महीने का 28 तारीख का बैच लगता है। सो सारे अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो लिंक में आपको सारी डिटेल मिल जाएगा, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं 12 बजे से 5 बजे के बीच में, और ये आप कॉल करेंगे मंडे टू सैटरडे। तो चलिए देखते हैं कि ग्राफिक्स सेक्शन किस तरीके से वर्क करता है प्रैक्टिकली और एक फोन पे फोन को बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा इसको, देखिए ये है लावा का ZX61। तो मैं सबसे पहले इसमें दिखाना चाहता हूँ, मैंने ठीक है ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर देखिए बैटरी यूज कर रहा हूँ। ओके और इसको पावर करते हैं, ये देखिए, तो ये फोन में लाइट चालू हो गई है जैसे कि आप देख रहे होंगे। देखिए इस फोन में लाइट आ रही है हल्की सी, पर ग्राफिक्स नहीं आ रहे। फोन वर्क हो रहा है पर ग्राफिक्स नहीं आ रहे। जैसे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको लाइट दिख रही होगी पर ग्राफिक्स आपको यहाँ पर नहीं मिल देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली इस फोन में ग्राफिक्स आईसी लगी है, मैं आपको यहाँ पर डिटेलिंग देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऊपर दिखाइए। देखिए यहाँ पर डिटेलिंग दूंगा और साथ में हम आप मल्टीमीटर को भी दिखाएंगे, थोड़ा मल्टीमीटर पे भी दिखाइए। देखिए मैंने यहाँ पर इसको वोल्टेज पे डाला हुआ है और यहाँ पर मैं आपको ये देखिए ये ग्राफिक्स आईसी लगी हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर हम वोल्टेज सेट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये मैं आपको पहले यहाँ बता दूं कि इस मोबाइल फोन में यहाँ पर ये जो
कॉम्पोनेंट है, ये जो दो कॉम्पोनेंट लगेंगे इसके ईएनसी के लिए, यहाँ पर ये इसकी बीपीएच की लाइन है और ये इसके वीएसएन की लाइन है, वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव, और यहाँ पे इसका वीएसपी वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर प्लस फाइव वोल्टेज आना चाहिए और यहाँ पर -5 वोल्टेज आना चाहिए। ये इसके रेफरेंस कैपेसिटर है और प्लस एनसी कैपेसिटर, तो और बेसिकली इसके बगल में आपका लगा है रिंगर सेक्शन, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। सो जरूर जुड़े चैनल से, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको एसर टेलीकॉम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक बार वोल्टेज यहाँ पे चेक कराना चाहूंगा कि वोल्टेज क्या आ रहा है यहाँ पर। सबसे पहले एक बार फोन को फिर से ऑन करते हैं हम और चेक करते हैं कि यहाँ पर +5 या -5 वोल्टेज मिला। हमने ऑलरेडी इसको डायग्नोस किया हुआ है दोस्तों, तो बिल्कुल शुरुआत में कनेक्टर पर या इस पर नहीं जाएंगे। ये हम पीसीबी में ये देखिए, यहाँ पर आपको हल्की सी लाइट आती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर मल्टीमीटर को दिखाइए, थोड़ा साइड में आ जाइए और मल्टीमीटर को दिखाने के बाद में दिखाइए कि कहाँ पर मैंने इसको टच किया हुआ है। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको टच कर रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीपीएच की लाइन, तो यहाँ पर ये 4 वोल्ट तो आ रहे हैं, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखिए, मैं दोनों साइड टच करके दिखा देता हूँ, ये मेरी +5 वोल्टेज की सप्लाई है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं आ रहा है आप जैसे कि देख रहे हैं। तो अब हम बेसिकली इस आईसी पर वर्क करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको फाइंड कर चुके थे इसका फॉल्ट, और फाइंड हम ऑलरेडी कर चुके थे। बेसिकली ये सेक्शन कैसे वर्क करता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये आईसी निकाल लेते हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं, और इस आईसी को डिटेलिंग में आपके सामने करने वाला हूं। तो अगर देखिए, ये आईसी हमने निकाल दी है यहां से। दोस्तों, कई बार क्या होता है, ये जो मोबाइल है ये हमारे किसी एक स्टूडेंट का मोबाइल है, और इस मोबाइल ये हमारे किसी क्योंकि स्टूडेंट जो मोबाइल आता है जनरली वो 10-10 दुकानों से टेक्नीशियनों से घूम कर आते हैं, और इस तरीके के काम जब हो जाते हैं तो वो आईसी पे काम नहीं कर पाते हैं, उनको इनकी जीआर नहीं पता। यहाँ पर मैं आपको जीआर तो नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पे पूरा इसकी लाइनिंग जरूर बताऊंगा आपको। कम्प्लीटली तरीके से जीआर पर अगर काम करना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से सर्किट बनता है किस मोबाइल में अगर ये आईसी नहीं होती है, तो फिर ग्राफिक्स जो +5 है -5 है ये कहाँ से निकलता है, कौन सी आईसी आउटपुट निकालती है, और किस मोबाइलों में जनरली आईसी नहीं मिलेंगी और किन मोबाइलों में ये आ रही हैं, तो ये सारी डिटेलिंग आपको मिलेंगी एसर टेलीकॉम की क्लासेस में ज्वाइन करने पे ऑफलाइन। यहाँ ऑनलाइन का कोई भी काम नहीं है दोस्तों, ऑनलाइन तो एक पैसा बर्बादी का एक जरा एक 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 एक, एक, एक सरिया बोलूंगा एक, एक पैसा बर्बादी का एक जरिया बोलूंगा तो। पर हम यहाँ पे ऑफलाइन सिखाते हैं क्योंकि स्टूडेंट सामने रहते हैं, तो वो हमसे 10 सवाल पूछ सकते हैं और हम उनकी इंक्वायरीज पूरी हल करते हैं। प्रैक्टिकली होता है, हर स्टूडेंट को आईसी निकालना लगाना जब तक नहीं सिखा देते तब तक हम उसको भेजते नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर बेसिकली पूरा डायग्राम हम हर स्टूडेंट को बताते हैं, सिर्फ डिस्प्ले में सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि ग्राफिक्स कैसे बनता है, हम ये भी बताते हैं कि जिसमें ये नहीं लगी होती उसमें भी ग्राफिक्स कैसे बनता है और सीपीयू से कब आता है, कौन सी लाइन आती है। तो बेसिकली जो MIPI डाटा पॉजिटिव नेगेटिव की सप्लाई है वो सारी चीज हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये एक बोर्ड मान लेते हैं, इस बोर्ड में हम इसको बनाते हैं, बेहतर है ठीक है। यहां मैं यूनिवर्सल समझाने की कोशिश में आपको कर रहा हूं। यूनिवर्सल क्या कि यहां मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, यहां मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि बेसिकली ये जो आईसी है ये, अगर मैं आपको बोलूं लावा ZX61 में ये आईसी कौन से कनेक्टर पर जाती है, तो मैं ये कौन से कनेक्टर पर जाती है मैं ये भी आपको बता सकता हूं, बट बेसिकली आपके मोबाइल फोन में अगर ये आईसी लगी है तो आप वो कनेक्टर की पिनों पर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूं मेरे फोन में ये दूसरे नंबर की पिन पर जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझिए, तो जरूरी नहीं है कि आपके फोन पर भी दूसरे नंबर पर जाए। तो बेसिकली हमको यूनिवर्सल काम करना है, हमको एक मोबाइल का डायग्राम नहीं सीखना है, और जनरली इंस्टीट्यूटों में यही हो रहा है, वो किसी एक मोबाइल पे पर्टिकुलरली पूरा डायग्राम बना बना के सिखाते हैं और उससे बोलते हैं कि बाकी सारे डायग्राम ऐसे होते हैं, नहीं ऐसे नहीं होते हैं, हर एक का डायग्राम अलग होता है और वो सब कुछ सिखाना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ बताऊं, सो हमारे डिस्प्ले को जनरली 2 वोल्टेज चाहिए होते हैं, एक +5 वोल्टेज और एक -5 वोल्टेज, जिस पर यहाँ 2 फिल्टर्स लगे हो सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, और प्लस यहाँ पर जो लगे हो सकते हैं
सीरीज में रजिस्टर या कॉइल मिल सकते हैं। जनरली मैं आपको आईसी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आईसी किस तरह से यहाँ पे वर्क करती है। तो ये जो 15 बॉल की आईसी है, ये देखिएगा, यहां पर मैंने 15 बॉल की आईसी बनाने की कोशिश की है, कर रहा हूं। ये मान के चलिए इसका नोज कट पॉइंट है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस आईसी को एक इनपुट वोल्टेज चाहिए होते हैं जो कि इसको बीपीएच सप्लाई से आते हैं, जिसमें एक फिल्टर लगा होता है और ये सप्लाई में यहाँ पे 4 वोल्ट मिलते हैं जो कि एक कैपेसिटर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये जो सप्लाई को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको 5 वोल्ट जो मिल रहा है, +5 और -5 जो वोल्टेज मिल रहा है, तो इसको बूस्ट करने के लिए D1 और B1 के बीच में इस आईसी को जो बूस्ट फ्रिक्वेंसी बनाती है, एक बूस्ट कॉइल लगा होता है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बेसिकली ये आपके A1 हो गया, ये B1, ये C1 हो, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपको C1 और D1 के बीच में लगा होगा। जैसे इस आईसी को एक इनपुट वोल्टेज मिल जाते हैं, अब इसको बेसिकली एक EN सिग्नल चाहिए इस आईसी को एक्टिव होने के लिए, जो कि इसके V1 और A1 पे होते हैं, जो कि जनरली वो आपको CPU आईसी से आते हैं और जिस पर पैरेलल में एक हाई वैल्यू रजिस्टर होता है, जो कि आपको यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर ओपन है, क्योंकि पैरेलल है इसलिए यहाँ पर ओपन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सीरीज होता तो दिक्कत होती, तो ये सारी चीजें बेसिकली बहुत थॉटफुली हम ऑनलाइन में समझ तो रहे हैं, पर अगर हम जब तक सामने नहीं बैठेंगे और सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो तब तक हमको बनेगा नहीं। सो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज की, सब देखो यहाँ पर तो 4 वोल्ट आ गए, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज, ये कब आते हैं, जब आप डिस्प्ले को ऑन करते हैं। जैसे आप डिस्प्ले का बटन दबाते हैं, पावर का बटन दबाते हैं, आपका डिस्प्ले एनेबल एक्टिव होता है, तो वो सीपीयू उस आदेश देता है आईसी को ताकि वो एक आउटपुट वोल्टेज बनाए, और वो जो आउटपुट वोल्टेज बनाती है वो दो, एक A2 और एक E3। सो जो आपका E3 से मिलकर बनता है वो बनता है VSP, जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, वो जिसमें से एक, ये इन दोनों में से एक, और एक बनेगा आपका A2 से, जिसमें भी एक कैपेसिटर लगा होता है, जिसमें आपका -5 वोल्टेज बनते हैं। तो ये होता है VSP और ये होता है VSN, जिसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव और वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव। यहाँ पर हम बात करेंगे, जो मेरे ग्राउंड होते हैं वो E1 होते हैं, जो आईसी के वोल्टेज को बनाएंगे, एक D2 होते हैं और एक B3 होता है, और अगर हम बात करें यहाँ पर जो B2 और C2 होते हैं, ये हमारे SDA और SCL की सप्लाई होते हैं, जो हमारे एक तरह से I2C लाइन होती है इन दोनों पर, जो सीपीयू से जुड़ी होती है। और ये I2C लाइन क्या होती है, I2S लाइन क्या होती है, हमारे आईफोन में भी यूज होती है बहुत डीपली, मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा, आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे। सो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर हमको बेसिकली इसके अंदर हमको GR चेक करने हैं कि हमारे GR सब सही आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। आईसी लगाने और निकालने, अगर एक आप आईसी निकाल रहे हो और एक आईसी लगा रहे हो, तो वो टेक्नीशियन नहीं है। टेक्नीशियन वो होता है जिसको डायग्राम का नॉलेज हो। मेरे पास में इसका कोई भी सर्किट डायग्राम नहीं है दोस्तों, मैं सच बताऊं, और हमको जरूरत नहीं है डायग्राम की, बट हम ढूंढते हैं। हम किसी भी फोन में आ जाए, टच की सप्लाई कहां जा रही है, लोगों इंस्टीट्यूट, आपके टीचर को ये तक नहीं पता होगा कि टच की सप्लाई किस आईसी में जा रही है, उसको कौन सी आईसी इनेबल कर रही है, प्राइमरी आईसी की सेकेंडरी, आपको टीचर को आप पूछिए, ये पूछिए कि उसमें टच की सप्लाई में किन किन पिनों पर वोल्टेज मिलेगा, किन पिनों पर वोल्टेज क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आप इनको जरूर पूछिएगा, और अगर नहीं बता पाए तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये आपको हमारे इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मुझे इसके GR चेक करने हैं, बाकी के पॉइंट ये हमारे जो रेफरेंस के पॉइंट होते हैं, जिसमें E3 और D3 कनेक्ट होते हैं, और एक पैरेलल एक रेफरेंस कैपेसिटर होता है। रेफरेंस कैपेसिटर बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये रेफरेंस कैपेसिटर क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा डीपली में। सो ये हमारा रेफरेंस कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, और इसके साथ में C3 और A3 के बीच में एक सीरीज में कैपेसिटर होता है यहाँ पर, और इस तरीके से ये इसका बन गया, जिसमें मैंने बताया C2, B2, SDA और SCL की सप्लाई होती है। तो चलिए इस आईसी के एक बार GR चेक कर लेते हैं। तो हमने डायोड मोड पे रखा हुआ है, नहीं
इधर आ जाओ, मल्टीमीटर दिखाते रहो और वो दिखाते रहो। यहाँ हमको जो जी आर मिल रहा है वो ज्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टर है वो लगा नहीं है। नहीं, वो उतनी है, उतनी है, छोटे छोटे उसको छोटे, वो उतनी है स्पेस लगा हुआ है। या हमको जो जिया मिल रहा है वो ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे पैलर में रजिस्टर नहीं है। हम यहाँ पे एक रजिस्टर भी पैलर में लगा सकते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा सर्किट बन जाएगा ये। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने आईसी और एक रजिस्टर साथ में लगाया है। ये कितने वैल्यू का रजिस्टर है ये हम आपको बताएंगे, आपको ये आपको पता चलेगा दोस्तों क्लास में आइए। बहुत सारी चीज़ें हम रिवील नहीं करते हैं जैसे कि, पर हमने इतना सर्किट आपको बताया, हम इससे और ज़्यादा सर्किट बता सकते हैं। मैं आपको पूरा PMI का पूरा सर्किट समझा सकता हूँ। एक PMI का सर्किट से आप सारे PMI के सर्किट को समझ सकते हैं, किस तरह से उसमें लाइट सेक्शन बनता है, कैसे उसमें चार्जिंग सेक्शन बनता है। PML का सर्किट हो गया, PMA का सर्किट हो गया, ये बहुत सारे सर्किट मैं आपको बता सकता हूँ। GR क्या होता है ये सारी चीज़ आपको बता सकता हूँ बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में। और यहाँ आपको इंस्टीट्यूट में जितना घंटा हम सिखाते हैं उतना घंटा इंस्टीट्यूट में कोई भी नहीं सिखाता। आई होप क्या वगैरह किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो हम सवेरे 8 बजे हमारी क्लास लगती है और रात के 8 बजे तक, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक हमारी क्लास लगती है। 12 घंटे की क्लास हमारी लगती है जिसमें हमारा 5-5 अगर हम बात करें तो 8 से 12 तक फुल प्रैक्टिकल, जिसमें हमारा SMD क्लासेस 50 क्लास की, मोर देन 50 क्लासेस की प्रैक्टिकल के साथ, और वही चीज़ हमारी शाम को ट्रेसिंग क्लास के साथ में और दोपहर में सारी चीज़ों की सप्लाई जो कि बहुत मेन है, और ताकि आप अपने मोबाइलों को बिगाड़े नहीं बनाए और अपने ग्राहक को संतुष्ट करें। तो देखते हैं अब यहाँ पर
देखिए तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं अब इसका ग्राफिक्स आ गया है। तो चलिए अब इसको दिखाता हूँ, जो वोल्टेज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को दिखाइए और स्क्रीन दिखाइए। तो देखिए अब चूंकि हमारा ग्राफिक्स आ रहा है तो इसके वोल्टेज हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर दिखाइए, अब यहाँ पे मैं वोल्टेज दिखाऊंगा आपको। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए -4 वोल्ट आ रहा है, जो कि आगे जाके अभी -5 वोल्ट होंगे। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको देखिए +5 वोल्टेज आ रहा है। देखिए मैं अपने प्रोब को उल्टा रखा हूँ, मैं फिर से अपने प्रोब को सीधा रखता हूँ, फिर से देखिएगा। यहाँ पे आपको -5 जो कि मैंने बताया था VSN की सप्लाई, और यहाँ पे आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपके +5 की वोल्टेज की सप्लाई। मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लीन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए वोल्टेज यहाँ पर हम देखेंगे तो यह है +5.8 और ये है -5.8, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा EN सिग्नल आ रहा है। यहाँ पर 1.8, दो EN सिग्नल है 1.8, यहाँ पे देखिए EN सिग्नल आपको यहाँ पे 1.7 यहाँ पर मिलना है। सो बेसिकली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो, आपको डायग्राम से हमने समझाया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो, आपको डायग्राम से कुछ समझ में आया है, सो वीडियो को लाइक जरूर करना। और जितना ज़्यादा लाइक करोगे, मैं इस पर एक लाइट सेक्शन आपको डालूंगा, 9 बॉल या 12 बॉल, कुछ ओप्पो का बढ़िया कुछ ऐसा डालेंगे और आपको बताएंगे ग्राफिक्स के बारे में, कुछ अलग बताएंगे आपको, जो बेसिकली डले तो हैं यूट्यूब में पर इतने क्लियर नहीं है जितना वीडियो में होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो मेन आउटपुट निकल रहा है वो E3 और A2 से निकल रहा है, जो कि हमारा +5 और -5 बनना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पर हम पहचाने कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग है जो आपको मिलेंगे एशिया टेलीकॉम में। तो ज्वाइन एशिया टेलीकॉम, आज ही कॉल करें 12:05 के बीच में। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। ये है हमारे 28 फरवरी का बैच, और जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं, ये वीडियो हमारा हमेशा इसलिए बनता है क्योंकि हम दिखाते हैं कि 5 दिन में हमने कितना हमारे स्टूडेंट को सिखाया हुआ है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, कौन कौन यहाँ पर ऐसा है जिसको रिवॉल्विंग आती है, हाथ खड़ा करके बताइए। आप लोगों ने रिवॉल्विंग यहीं सीखी है कि यहीं सीखी आपने? ठीक है, अगर मैं यहां से पूछूं, किस किस ने यहां पे लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगा के उसको चालू किया हुआ है, यहां पे बताइए। आप सभी ने एक चालू हैंडसेट में सीपीयू निकाल के लगा के किया हुआ है। चलिए ठीक है, अब मुझे वो बताइए कि किसने 2 बार से 3 बार से ज्यादा बार किया हुआ है, हाथ खड़े करके बताइए। एक बार अपने नंबर बताइए खड़े होकर, जल्दी जल्दी। तीन है, दो बार नंबर बताइए खड़े होकर। तीन बार सर, दो बार, छह बार किया आपने? आपने सही में 6 बार किया है, फेक तो नहीं है? दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे बताइए। तीन बार किया आपने, तीन बार किया है, दो बार किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया, पीछे बताइए। एक बार किया है? 10 बार किया है तुमने, पक्का? यहाँ पर सर मैंने 10 टाइम्स बार किया है। सात बार किया। आप बताइए, आप में से जो आप लोग कह रहे हैं 2 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 9 बार, 10 बार, ऐसा आप पहले करते थे क्या कभी? ये आप कहाँ आके सीखे हैं? एशिया टेलीकॉम में सीखे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, मेरे साथ में है 28 जनवरी का बैच, और ये कितने दिन का आउटपुट बना रहे हैं हम? पांच दिन का हम आउटपुट बना रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने यहाँ रिबॉलिंग सीखी है, बताइए किन किन लोगों ने यहाँ पर रिबॉलिंग की है? सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन किन लोगों ने लाइव मोबाइल से सीपीयू निकाल के उसको वापस चालू किया हुआ है,
यहाँ पर। चलिए एक बार नंबर बताइएगा जितने एक से बात ज्यादा बार किया है, बताइए एक एक करके बताओ। दो बार सर बनाया। दो बार, पांच बार बनाया है। पांच बार, चार बार। बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ। और यहाँ पर दो बार। आप फ्रेशर हैं? कितने लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर हैं जिन्होंने आज तक आईसी पे कभी काम नहीं किया है, यहाँ पे हाथ उठाइए। मतलब आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप लोगों ने यहाँ पे दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार यहाँ पे एक लाइव मोबाइल में सीपीयू निकाल के खुद बोलिंग की यहाँ पर और खुद प्रैक्टिकल किया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप क्या कहना चाहेंगे, एशिया टेलीकॉम की जो लैब है वो इंडिया के सबसे बड़ी लैब है कि नहीं लैब है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ पांच दिन में हमने इसके अलावा क्या सीखा, कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। सो अगर मैं बताऊं कितने टाइप के रजिस्टर्ड होते हैं, एक एक पहला बताइए कितने टाइप के रजिस्टर्ड होते हैं। साथ में है 28 दिसंबर का बैच और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए। पांच दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि पांच दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए। यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी, जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को। एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किसने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, तीन बार, दो बार, फिर अरे वकार खान ने भी दो बार किया है, वेरी गुड, सात बार, वेरी गुड, दो बार, तीन बार, जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज, तीन बार, छह बार किया आपने, चार बार किया है, वेरी गुड, इसमें से दो बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, दो बार सर। कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है। सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है, यस सर भी बोलना है एक बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, आदि चेहरे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना। आठ बार बैठे रहकर, आठ बार किया तुमने, तीन बार, दो बार, नंबर बोलते रहो, दो बार, नंबर बोलते रहो बस, चौदह बार, क्या बात कर रहे हो, इतना दो बार किया है, ये फेक तो नहीं बन रहा है, बताओ, तीन बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर पांच दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ पांच दिन की, पांच दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ, 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ पांच दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए, पांच बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया। मैंने छह बार, सर पांच बार, सात बार, दो बार, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ, तीन तीन बार, पांच बार, सर चार बार, दो बार, पांच बार, तीन बार, दो बार। तो यहाँ पर आप लोग ने दो बार, तो चार बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर के डायग्राम के। अच्छा किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ, सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने एन आईएसओ 9001 एंड 2008 सर्टिफाई इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस्ड मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट कॉल फॉर एडमिशन 9644139972 डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन।